मुझे अच्छा लगा कि जिस रूप से विरोधी पक्ष में कहीं न कहीं इतिहास का विचार किया गया, इतिहास के प्रारूप से आज के जम्मू कश्मीर को देखा जा रहा है, ये बहुत अच्छा लगा कि वो इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं एक ऐसी युवा सांसद हूं जो बचपन से देखती आ रही हूं जम्मू कश्मीर को, जब फ्रंट पेज पे किस इतिहास के रूप से हम देख रहे हैं। जब देश 1947 में आजाद हुआ तो भारत का हिस्सा जम्मू और कश्मीर लद्दाख था और है। मुझे ये प्रश्न होता है कि क्यों जब 1947 में हमें आजादी मिली और कश्मीर, लद्दाख और जम्मू भारत का अभिन्न भाग तब से था, तो क्यों तभी के तत्कालीन प्रधानमंत्री भीख मांगने के लिए यूनाइटेड नेशन में जाके ये कहने लग गए, जिनको मैं बिल्कुल आदर करती हूँ, क्यों क्यों कहने लग गए कि हमें हमारे कश्मीर का रेजोल्यूशन आप दो। व्हाई डिड वी गो टू अ थर्ड पार्टी रेजोल्यूशन विद ड्यू रिस्पेक्ट। मेरा ये कहना है कि ये आलोचना नहीं है, ये आलोचना नहीं है, माफ करिए, ये आलोचना नहीं है, अपेक्षा थी, ये फैक्ट है, इसको देख लूंगा। ऐतिहासिक ब्लंडर कहा जाता था। जब इतिहास में जाना हो तो इतिहास में जिस प्रकार से ऐतिहासिक ब्लंडर किया गया है उसकी भी कहीं ना कहीं समीक्षा इधर होनी चाहिए, लेकिन इसलिए बताना बहुत जरूरी है क्यों तब के तत्कालीन, ये क्यों है प्रश्न मेरा एक युवा सांसद के रूप से, कि क्यों तब के हमारे सबके आदरणीय पहले प्रधानमंत्री, इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री, थर्ड पार्टी के पास गए कि हमारा जम्मू कश्मीर का मसला आप सुलझाइए। उस वक्त का ऐतिहासिक ब्लंडर आज भी हम फेस कर रहे हैं, ये हम सब जानते हैं, इस क्यों का प्रश्न हमें चाहिए। आप इतिहास में जाना चाहते तो मुझे आपको ये प्रश्न पूछना है, कश्मीर में जाते वक्त परमिट मांगना पड़ता था और देना पड़ता था, क्यों कश्मीर जाते वक्त हमें परमिट लेना पड़ता था? क्यों कश्मीर हमारा अभिन्न भाग नहीं है, हम अभिन्न रूप से कश्मीर के साथ नहीं रहते थे? क्यों तभी इस बार की लड़ाई होती थी कि दो प्रधान थे, दो संविधान थे और दो निशान थे? क्यों हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इसके खिलाफ लड़ना पड़ा और क्यों उनको बलिदान देना पड़ा कि परमिट के बिना हम हमारे जम्मू कश्मीर में आएंगे? ये इतिहास का प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ। क्यों ऐसे हुआ कि कश्मीरी पंडित हमारे कांग्रेस के पेट्रियार्क कश्मीरी पंडित है, इसका वो हर वक्त गर्व से बात करते थे, उसी पेट्रियार्क कश्मीरी पंडित हमारे देश के प्रधानमंत्री भी थे, उसी वक्त ऐतिहासिक ब्लंडर भी हुआ। फिर मैं इतिहास में सब जाना चाहते तो इतिहास का ये भी प्रश्न आप उत्तर दीजिए कि क्यों कश्मीरी पंडितों को उसी सेक्युलर कंट्री के बारे में बात करते हैं, जम्मू और कश्मीर से भगा दिया गया और उनको अपनी जमीन से बाहर बेच दिया गया, उसका आप जवाब दीजिए। मेरे बहुत क्यों प्रश्न है, मुझे ये इतिहास में जाके आपको पूछना है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस नियम के तहत, किस नियम के, नियम बताए ना, पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस नियम के तहत, नहीं माने सर प्लीज, आप नियम बताए किस नियम के तहत जी। सर इतिहास के रूप से ये क्यों प्रश्न के उत्तर भी आप हमें दे दीजिए। जब कश्मीरी पंडितों को कांग्रेस से, मैं कहती हूँ पेट्रियार्क इसलिए पूछती हूँ कि कश्मीरी पंडिताएं पे बहुत सारी चीजें लिखी गई, वही हमारे कश्मीरी पंडित आज मेरे चुनाव क्षेत्र बांद्रा में अभी भी बेचारे विस्थापित होकर रह रहे हैं और मुझे ये पूछते हैं कि मैं अपने घर कब जाऊंगा, लेकिन हाँ आज मोदी सरकार आई है तो कश्मीरी पंडितों का सम्मान हो रहा है और वो वापस जाने की तैयारी में है। मेरा ये भी सवाल है, इतिहास में आप जा रहे हो, क्यों आप हमें जब आपकी सरकार थी तभी तिरंगा हमारा लाल चौक में क्यों फहराने आप देते नहीं थे? इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए। क्यों हमारे जवान आपकी राजनीति की वजह से, आप तो 90 के बाद का समय बता रहे हो, उसके पहले का तो समय आपका था, क्यों हमारे जवानों के परिवार ये सोचते कि बॉर्डर पे मेरे जवान, मेरा भाई, मेरा पति वहां पे खड़ा है, कश्मीर के हालात खराब है, कब उसकी पीड़ा कम होगी कि कश्मीर अच्छा रहेगा, कश्मीर खुशहाल रहेगा और जवानों के परिवार को विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या मेरे परिवार वहां पे ठीक है कि नहीं? मेरे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं आपसे, इतिहास में आप जाना चाहते हैं। क्यों क्यों कश्मीरी युवा
इस देश से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि आपकी इस तुष्टीकरण की राजनीति के वजह से कश्मीरी युवा देश की धारा में आना चाहता है तो भी वो आ नहीं सकता। इस क्यों का आप इतिहास मुझे जवाब दीजिए, क्यों कश्मीरी युवाओं को हाथ में किताब औजार और आज स्किल इंडिया से जैसे 30,000 युवाओं को हम स्किल दे रहे, क्यों आप उनके हाथ में पत्थर दे रहे थे लेकिन कभी किताब और उनके हाथ में जवाब नहीं दिया, इस क्यों और इस इतिहास का आप मुझे जवाब दीजिए। अभी मैंने सुना कि हर एक सरकार की आदरणीय तिवारी जी ने तारीफ की, ये बहुत अच्छा है, हम सब करेंगे। उन्होंने हर उनकी सरकार के बारे में आदरणीय इंदिरा गांधी जी, आदरणीय राजीव गांधी जी का नाम लिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम लिया, लेकिन उन्होंने कहा 1991 में जो सरकार थी उस सरकार ने अच्छा काम किया। तो उस सरकार के प्रधानमंत्री भी आपके थे, आप उनका नाम भूल गए थे क्या, या ये नाम क्यों आप ले नहीं सकते कि इस रूप से राजनीति यहाँ पे तैयार हो रही है। इस क्यों के जब प्रश्न निर्माण होते तो मुझे एक ही मूल मंत्र देता है जो आदरणीय तिवारी जी ने भी हमें दिया, उन्होंने भी हमारे सारे सबके प्यारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का मूल मंत्र हमें बताया, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। ये बोलने के लिए क्यों 60 साल हमें रुकना पड़ा, इस क्यों का जवाब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहती हूं। मुझे याद है 1992 में लाल चौक में तिरंगा फहराया था एकता यात्रा में, एक उस पर कहानी थी, एक अखबार में मैं पढ़ रही थी, एक मोहम्मद अशरफ आजाद बुधगांव के 20 साल का जवान तभी 1992 में लाल चौक में गया देखने के लिए कि कैसे कोई देश का झंडा वहां पे लहरा सकता है, और फक्र से उसने अपना सल्यूट वहां पे दिया, और उसने तभी कहा कि मैं भाजपाई को वहां पे देख के मैं अचंभित हो गया कि यहां पे आजू बाजू रास्ते पे टेररिस्ट घूम रहे हैं लेकिन कश्मीर का झंडा भाजपाइयों ने वहां पे किया और मैंने सल्यूट किया, और उस झंडा वहां पे लहराने के लिए उस एकता यात्रा में हमारे के अभी प्रधानमंत्री और तभी के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे झंडा लहराया था। ये क्यों का जवाब मैं चाहती हूं। ये विचारधारा है हमारी, इसी विचारधारा को हमें लेके जाना है। भारत का शीर्ष है कश्मीर, उसको हमें झुकने नहीं देना है, और उसको झुकने नहीं देने के लिए हम कार्यरत रहते हैं। मैं ये बोलना चाहती हूं कि जब 1992 में झंडा फहराया और 2015 की सरकार के बारे में यहां पे बहुत टिप्पणियां हुई, उस टिप्पणी में प्रधानमंत्री में 2015 में जब कश्मीर को, जम्मू और कश्मीर को 80,000 करोड़ का पैकेज दिया, तभी प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे रूप से अपनी आवाम को, वहां की जनता को ये कहा कि दिल्ली का खजाना आप सबके लिए है, अपनी जम्मू कश्मीर की जनता के लिए कहा, दिल्ली का खजाना आप सबके लिए है लेकिन दिल्ली से दिल्ली का दिल भी आपके लिए मैं हाजिर लेके आया हूं। इस प्रकार से दिल से जोड़ने की राजनीति एनडीए के सरकारों ने की है। मुझे सौभाग्य इसका मतलब मिलता है कि जिस दिल की जोड़ने की राजनीति और जिस प्रकार की प्रक्रिया हमने शुरू की एनडीए के सरकार में 2014 से लेकर 2019 तक एनडीए सरकार ने ये कायम रखी।